उन्होंने कंपोज किया है इस फिल्म के लिए, जिसके साथ और अशोक त्यागी जी के साथ एक बहुत ही अलग किस्म की फिल्म थी द स्पार ऑफ रेड, जो रिलीज हो जी, जो एक मतलब काफ़ी डार्क सब्जेक्ट है। और तो उसके गाने भी काफ़ी मतलब अलग हैं। और आज हमने भक्ति रस में बहुत ही अलग किस्म का गाना किया। फिल्म का नाम है गोदान और गौशाला पर आधारित, गौ माता पर आधारित ये गाना था। अशोक जी ने खुद इस गाने को उन्होंने लिखा है और हमारे विनोद सिन्हा चौधरी प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म को। और बहुत ही एक उसी एक श्रद्धा भक्ति के साथ ही ये फिल्म बन रही है। और रिजू ने बहुत प्यारा भजन उन्होंने कंपोज किया, तो गाकर मुझे भी बहुत सुकून, बहुत ही एक भक्ति वाली फीलिंग आई गाकर, तो बहुत अच्छा लगा इस गाने को गाकर। और एक पॉजिटिवनेस है पूरे गाने में। ये उनको भी सुनाएंगे, उनको खुद पॉजिटिवनेस महसूस हो। एक लाइन जी जी, एक लाइन मेन चांद है जो जय गोपाला जय गौ गाइए आप सब, जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला जय गोपाला जय गौ। क्या बात है। अच्छा सर, क्या कुछ कहेंगे सर, गाना आपने लिखा भी है सर। ये आप लोगों की बड़प्पन है, आप लोगों का प्यार है जो आप कह रहे हैं मैंने लिखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार की जो बोलते हैं कि आदमी कहते हैं कि मैं सच बताऊँ, ये लाइनें कहाँ से आई हैं मुझे खुद नहीं पता। फिल्म का रिक्वायरमेंट था और बिल्कुल दिव्य हैं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं जी। और मैं जब युवा था तो मैं लिखता था। और अगर आप लोगों को याद हो, मेरी पहली फिल्म है सुर्खियाँ, उसका मुझे कोई मिला बंदा, आशा जी ने गाना गाया था, मैंने पहली बार जिंदगी में लिखा था, क्या है आवाज़ यही, क्या है तस्वीर यही, तो बोला क्या है आवाज़। मैं तो एक कोइंसिडेंस है कि मेरी पहली फिल्म मैंने गाना लिखा, आशा जी ने गाया, और वो रात का दिन आप सुर्खियों में ही रहे। वो सब लोगों का प्यार है, मैं जानता हूँ यार, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है और मैं बहुत आभारी हूँ सुर्खिया के टाइम से। और जो आप लोगों ने, ये तो कह रहे हैं पालन पोषण करें हमारा, और मेरा तो आप लोगों ने ही पालन पोषण किया है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। सर आप क्या कहेंगे सर गाने के बारे में, संगीत आपने दिया है? देखो मैंने संगीत दिया है, एक्चुअली संगीत और दिया, और अशोक जी ने जो लिखा है हमने कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट ऊपर से आया है हमारे थ्रू से, बस वी आर जस्ट अ मीडियम ऑफ डिलीवरिंग द थिंग्स। ऑटोमेटिक हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव नोट पे द न्यू ईयर हैज़ बिगन, तो वो पॉजिटिविटी वो गाने में भी है। और जो इसका जो म्यूज़िक है, देयर इज़ वेरी सिंप्लिसिटी टू इट, द रूट्स है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब अर्दी फील इस गाने में है। और शान भाई ने गाया है और ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, ही इज डन वंडर्स टू द सॉन्ग। कितने गाने हैं फिल्म में, गोदान की बात करता हूँ, गाने ये पूरी फिल्म में सर 5 गाने रहेंगे। और प्रेमचंद जी की हम बहुत श्रद्धा है, बहुत बड़े लेखक हैं, लेकिन सिनेमा एक पैरेलल विधा है। हम कहानी को आधुनिकरण भी करेंगे और एज अ फिल्म this film is going to be a tribute to Mother India, and there's another film called Ganga Jamuna. Both these Mother India I would like to as an iconic film, so we would like to surpass Mother India with this picture, क्योंकि आज हमारे पास ज़्यादा बेटर टेक्निक है। और महबूब जी को मैं इन्वोक करता हूँ, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये गाना सुन के वो बहुत खुश हो रहे हैं, ही इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी। उनको पूरा यकीन हो गया है कि दूसरी मदर इंडिया बनने जा रही है। इस बात को सुनकर विनोद जी आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ये फिल्म ऑस्कर जाएगी। लीजिए, क्या बात। अब इसके आगे हम क्या कह सकते हैं? मेरे वास्तव में इसमें संभावनाएँ अनंत हैं और ये जो गाना हुआ है ना, इससे संभावनाओं पर मोहर लग गई है हकीकत की, क्योंकि अब तक तो ये अनुमान था लेकिन अभी एक वास्तविकता बन रही है। आप गाने के अंदर आप जैसे आपने कहा, आपने भी लिखना, कंपोज, सिंगिंग भी ऐसा लगे खुद से उत्पन्न हो रहा है ना? कुछ एफर्ट या कोई तरह कोई खास जिद या कोशिश की जरूरत ही नहीं पड़ी, गाना बन गया। हाँ, ऑटोमेटिक। शायद इस तरह से चुपचाप ऑस्कर भी ले आए। नहीं कोई नहीं, उसमें तो क्यों है कि आप यही पहनकर जाएंगे ऑस्कर के अवार्ड पे, आपका लुक सेम होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही चले जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा आज ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म बन गई है इस गीत के साथ में, और जैसे आप लोग लेके जा रहे हैं सबको, तो पर विनोद कुमार चौधरी जी जिस प्रकार से इसका शुरुआत किए अभी महीना भर पहले, मैं चाहूँगा उसके बारे में किस तरह से इस चिंगारी को जो आज इतनी बड़ी आग बन गई है आपने किस प्रकार पैदा किया? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इस पिक्चर का 1.5 लाख लगभग रहे होंगे संख्या, जो पूजा मोहन भागवत जी ने इसे क्लैप देके इसका मुहूर्त किया है पहली बार। इन द हिस्ट्री ऑफ फिल्म इंडस्ट्री नो फिल्म, किसी फिल्म का मुहूर्त 1.5 लाख दर्शकों के लोगों की उपस्थिति में नहीं हुआ, और मोहन भागवत जी ने क्लैप किया। मोहन भागवत जी ने क्लैप किया। ये 28 नवंबर के दिन वहाँ पे, जहाँ पिछली जन्मभूमि मथुरा के, हाँ, वहीं से तुम जय गौ जय गोपाल लाइन निकल गया। और मुझे लगता है गौ माता पर या गौशाला पर भी ये पहला गाना है। हाँ, ये सबसे है कि ये जोन पे कोई है ही नहीं। इन्होंने कहा कि देखिए संतोषी माता जी, मैं पूरी श्रद्धा के साथ में, क्योंकि माता एक ही है, उनको किसी भी नाम से पुकारो, संतोषी, दुर्गा, जो भी बोलो। तो संतोषी माता जी की आरती नहीं थी पहले, जब पिक्चर आई तो संतोषी माता जी की आरती लोकप्रिय हुई। तो इन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया कि मैं आपको डायरेक्टर मान लूंगा कि अगर आप एक ऐसी आरती गौ माता की क्रिएट कर दो जैसे कि संतोषी माता की आरती हिट हुई थी, ऐसे हुआ ये। अशोक जी कितने गाने शांत जी के पास? गाने शांत जी के रहेंगे। ये मेरा मैस्कॉट है शान, मेरा तो छोटा है, मैंने मेरे मुंह से निकल गया, ये बहुत बड़े स्टार है मेरे बोलना। अरे नहीं, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में जो पहली बार गाने रिकॉर्ड किए थे, एक्चुअली जिंगल बोलते हैं जिनको, वो जो ऐड होता है जिंगल, वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई। 1998 वो मानस मुखर्जी जी ने कंपोज किए थे, और कविता कृष्ण मूर्ति जी ने साउथ में गाए थे, और इन्होंने पार्वती खान ने हिंदी में गए थे। अच्छा, तो वहाँ से इनके पिताश्री से साथ में किया। आज मुझे आप ये बात, इनके पिताश्री से मेरे संगीत की यात्रा शुरू हुई, और कविता जी भी सीखती थी। हाँ, कविता जी और पार्वती भी सीखती थी। तो पाँचों मूड क्या है सर? सब गाने अच्छी नहीं, पहला गाना रहेगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोग मुझे, क्योंकि कैमरे के सामने पहला गाना विल बी ए ट्रिब्यूट टू उमरिया कटती जाए रे, जो गाना है मदर इंडिया का, उमरिया कटती जा। आपके साथ क्या ऐसा? उमरिया कटती जाए रे। दूसरा रहेगा नैन लड़ जाइए तो मनवामा कसक हुई बेकरी, वैसा गाना है। तीसरा गाना है गया गोपाला। चौथा है दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, और आखिरी गाना है इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ। 2 महीने पहले ही मुझे ये मतलब ये सारे गाने उन्हीं से इंस्पायर्ड, कंपटीशन से इंस्पायर्ड। यूपी फोक है तो उनका तो यूपी फोक, ये ही विल डू इट। ये मेरे को पानी की तरह म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया है, और जैसे मनोज जी ने लिखा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें इसको मैं बोलता हूँ सलील चौधरी चाहिए मुझे 25 टका एसडी बर्मन, ऐसे ये ह्यूमन एआई है। बोलते हैं ना कि ऐसा एआई बना के देता है। नौशाद 50% उनका, 20% इनका, ये एक मिक्सी में घुमा के फिर रिजू निकालेगा भाई। ये तो बहुत चैलेंज है, इस पे ही मजा आ रहा है। रिजू रॉय का स्पेलिंग क्या है? ROY। फिल्म कब जा रही है फ्लोर पे? अशोक सर, फिल्म कब जा रही है फ्लोर पे? फ्लोर पे चली जाएगी सर, जनवरी एंड तक चली जाएगी। प्लान तक? कहाँ शूटिंग कहाँ होने वाली? शूटिंग मतलब वृंदावन और उसके आसपास के, क्योंकि ये जो कहानी है प्रेमचंद जी की एक गांव की कहानी है, मदर इंडिया एक गांव की कहानी है, गंगा जमुना एक गांव की कहानी है, शोले भी एक गांव रामगढ़ की कहानी है कि एक गांव के होने से पिक्चर छोटी या बड़ी नहीं हो जाती, बड़ा जो होता है विजन होता है। तो मेरे एक गांव और वहाँ पे वृंदावन और इतनी पुण्य भूमि है, वहाँ पे हम एक गाँव पर्दे पे क्रिएट करेंगे विनोद प्रधान जी के माध्यम से, जो इस युग के सबसे बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं। तो वो विजुअल करेंगे और अनूप देव जी यहाँ पे साउंड डिजाइनर बैठे हुए हैं जो रिकॉर्डिंग में बैठे हुए थे। तो ये सब बहुत सर वो इस तरह से काम चल रहा है और बहुत भव्य, एक भव्य इन द सेंस कि जो आजकल पैसे का जो वल्गर डिस्प्ले है उसको भव्यता बोला जा रहा है। मैं उस भव्यता की बात नहीं कर रहा, मैं उस भव्यता की बात कर रहा हूँ कि जो एक विजन से और एक सिनेमैटिक विजन से। अब मदर इंडिया देखिए, एक गरीब फार्मर की कहानी है लेकिन कितनी भव्य है उसका जो विजन है। तो ऐसी ये भव्य फिल्म बन रही है और इससे ज़्यादा सूचनाएं देना इस वक्त उपयुक्त नहीं होगा। मैं इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं हम जी वापस। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। आपके बारे में अगर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और अभी मथुरा में दीनदयाल कामधेनु अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण पूज्य संचालक जी ने किया है और उसी में इसका मुहूर्त हुआ है, उनके कर्मलोक द्वारा ही, उनके हाथों द्वारा इस पिक्चर का गोदान का मुहूर्त हुआ है। और ये पिक्चर मैं मानता हूँ कि ये पिक्चर जो बनने जा रही है ये गौ माता के संरक्षक और गौ माता की रक्षा के लिए इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। और ये फिल्म बहुत हमारे संस्कार रहित और संस्कारों से मिलती हुई, जो हमारे पुराने संस्कार थे, गाय को प्रति घर में गाय को और कुत्ते को रोटी निकाली जाती थी, जो हमारी न्यू जनरेशन उसे भूल गई है। और इस सब को ध्यान में रखते हुए ताकि गौ माता की रक्षा हो और गौ माता की जय हो, इस जय कार्य के साथ जय जय हिंद, जय गौपाला। नमस्कार सब। मैं राजू दणई आरएसएस का स्थानिक कार्यकर्ता हूँ और वैसे फिल्म क्षेत्र में जो भी काम चलता है तो उस संदर्भ में हम संपर्क करते हैं सभी राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से और उनसे निवेदन करते हैं जो भी फिल्म बनेगी उसमें भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय विचारधारा जो है वो विचारधारा का आधार मानकर फिल्में बनाई जाए। अपना अगर हज़ारों साल का इतिहास देखते हैं तो उसमें काफ़ी ऐसे जीवन दिखाई देते हैं जिसमें से एक प्रसंग भी लिया जाता है एक व्यक्ति के जीवन से, तो बहुत बड़ा पिक्चर बन सकता है। जैसे तानाजी आपने देखा है, बहुत बड़ा पिक्चर बना, वैसे इतना बड़ा एक नॉवल अपने जो गोदान है वो बहुत ही अपने पूरे समाज में मान्यता प्राप्त है और उसके ऊपर फिल्म बनना एक बहुत बड़ी उसमें एक उपलब्धि है। और ये फिल्म बहुत चलेगी तो और लोगों को इसके बारे में पता चलेगा किस तरह से अपने भारतीय संस्कृति का पूरा विकास हुआ है। और गौ माता की जय। थैंक यू।